गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिट्टू की रसोई। आज हम बनाएंगे छत्तीसगढ़ की सबसे फेमस रेसिपी, वो है आम पन्ना, जो कच्चे आम की, कच्चे कैरी की बनाई जाती है, जो सबको बहुत पसंद आने वाली है फ्रेंड्स। बट आजकल मार्केट में जो शरबत आ रहे हैं, आम का, बेल का, नींबू का, सिकंजी, वाटरमेलन का जूस, ठंडई, बहुत सारे मार्केट में जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल मिल रही है, बड़े से लेके बच्चों तक को वही पसंद आ रही है। बट आजकल हम अपने घर की जो रेसिपी होती है उससे हमें ध्यान नहीं देते, उसको हमें हमारे बच्चे भी नहीं पसंद करते। बट हम बनाएंगे घर का सबसे हेल्दी ड्रिंक आम पन्ना। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें क्या करना है कि कुछ कैरी, कच्चे कैरी आम लेना है और उसे अच्छे से 2-3 पानी में आप इसे वॉश कर लेंगे फ्रेंड्स। वॉश करने के बाद आप इसे कुकर में लेंगे 4-5 सीटी और इसे बॉईल करने के लिए रख देंगे। प्रेशर कुकर नहीं होगा तो आप किसी भी बर्तन पे आप इसे बॉईल करने के लिए रख सकते हैं। गर्मी में ये लू से आपको बचाता है आम पन्ना, बहुत ही हेल्दी होता है ये ड्रिंक। पहले तो चूल्हे में बनाया जाता था, चूल्हे में भूंज कर कच्चे आम का पन्ना बनाया जाता था। हमारी दादी नानी के ज़माने में इस तरह के पन्ना को बनाया जाता था। बट अभी सबके पास गैस की फैसिलिटी है तो सब गैस में कोई भी रेसिपी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम इस तरह से बॉयल होने के बाद इसको एक मिक्सी के जार लेंगे और उसमें हम इस तरह से इसे कट करेंगे और पुदीने के कुछ पत्ते हम इस पे डालेंगे और इसमें थोड़ा सा हम चीनी ऐड करेंगे, शक्कर डाल देंगे और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा लेमन जूस भी डाल सकते हैं। बर्फ़ के कुछ टुकड़े डाल देंगे और इसका हम पेस्ट बना लेंगे। इसे बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, चीनी डालेंगे और इसे बहुत ही यम्मी बनेगा ये ड्रिंक। जब भी आपको कुछ अच्छा पीने का मन करे, वीकनेस लगे, तो आप इस तरह का आम का पन्ना बनाकर पी सकते हैं, जो बहुत ही हेल्दी है। और फ्रेंड्स इस तरह से हम इसका पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के बाद आप इसे एक बाउल में डाल लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और अब इसमें मिलाएंगे ठंडा ठंडा पानी और थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे काला नमक, थोड़ा सा भुना हुआ पिसा हुआ जीरा ऐड करेंगे और कुछ पुदीने के पत्ते पीसकर हम इसमें डालेंगे। आप चाहें तो बर्फ़ का आइस क्यूब भी इसमें डालकर और इसे ठंडा कर सकते हैं, बहुत ही यम्मी लगने वाला है फ्रेंड्स। इसे इस तरह से देखिए आपको मिक्स करना है। फ्रेंड्स मैं जो भी रेसिपी बनाती हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही प्यार से बनाती हूँ। अब हम लेंगे नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च और अब एक कोई भी आपके पास ग्लास, कप, बाउल जो भी है उसमें इस तरह से आपको लगाना है। पहले लेमन लगाइएगा, उसके बाद इसे इस तरह से लगाकर उसमें आपने जो टेस्टी सा, यम्मी सा, हेल्दी सा जो आम पन्ना बनाया है वो इसमें हम डालेंगे, ये देखिए इस तरह से। फ्रेंड्स आप चाहें तो इसे छानकर भी डाल सकते हैं या डायरेक्ट भी इस तरह से डाल सकते हैं और इसे फ्रिज में रखकर आप इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे तो जो गेस्ट होगा उसकी थकान यूं ही मिट जाएगी। बहुत ही यम्मी, बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है आम पन्ना, बच्चे से लेके बड़ों तक पीते हैं इसे। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है प्लीज़ कॉमेंट करना। फ्रेंड्स मैं जो भी रेसिपी बनाती हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही प्यार से बनाती हूँ। ये देखिए हमारा ठंडा सा, यम्मी सा, हेल्दी सा छत्तीसगढ़ का सबसे फेमस ड्रिंक आम पन्ना बन चुका है। इसमें हम थोड़ा सा हल्का सा सॉल्ट, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए मिक्स करने के बाद हम इसे पियेंगे तो हमारी थकान दूर हो जाएगी फ्रेंड्स। मेरी आपको रेसिपी कैसी लगी, छत्तीसगढ़ का फेमस आम पन्ना आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करना। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।